बेकरी स्टाइल अगर इस तरीके से पाइन एप्पल पेस्ट्री आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं तो फिर बाहर क्यों जाना। केक के स्पॉन से लेके पेस्ट्री बनने तक की एक एक चीज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं किचन में और पाइन एप्पल पेस्ट्री बनाना शुरू करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। माइसेल्फ शेफ रुचि सक्सेना, फाउंडर ऑफ आरजीएस कलिनरी, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो गाइस चलिए पाइन एप्पल पेस्ट्री बनाना शुरू करते हैं। पाइन एप्पल पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर केक स्पॉन्ज रेडी करना होगा। तो केक स्पॉन्ज के लिए यहाँ पर मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट के प्रॉपर मेजरमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो मिल्क मेड है ना, यहाँ पर मैं मिल्क मेड से बना रही हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही रिच आएगा। तो यहाँ पर मैंने 100 ml मिल्क मेड लिया है, साथ में 1/4 कप पाउडर शुगर। पाउडर शुगर और मिल्क मेड को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे बीटर की हेल्प से। अगर आप बीटर की हेल्प से नहीं करना चाहते तो आप हैंड विस्कर से भी इसे बीट कर सकते हैं। तो कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर मिल्क मेड का मिक्सचर है ना वो बिल्कुल लाइट कलर में होना शुरू हो गया है। तो यही इसकी पहचान है कि ये रेडी हो गया है। और अब यहाँ पर लेंगे 1/4 कप बटर। बटर के साथ भी मिक्सचर को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/2 कप मिल्क, जिसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड मिक्सचर में ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो लिक्विड मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वाइट विनेगर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और साइड में रख देंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ फ्लेवरिंग। तो यहाँ फ्लेवरिंग के लिए मैंने लिया है पाइन एप्पल एसेंस, क्योंकि हम बना रहे हैं आज पाइन एप्पल पेस्ट्री। सो लिक्विड मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हमारा जितना ड्राई इंग्रेडिएंट है उसे हम इसमें अच्छी तरीके से छान लेंगे। एक बात का खास कर ध्यान रखें कि जब बेकिंग करें तो जितने भी आपके इंग्रेडिएंट हैं ड्राई इंग्रेडिएंट आप उसे सेव कर लें। सो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, साथ में 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट और साथ ही में जाएगा मिल्क पाउडर। ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट में अच्छी तरीके से सेव कर लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से सेव कर लेंगे और दोनों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। फाइनली केक का बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर करीब 1 से 2 सेकेंड के लिए बीटर से इसे बीट कर लूँगी। इससे केक बैटर में जो भी लम्स क्रिएट हुए हैं वो सारे अच्छे से रिलीज हो जाएंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर पाइन एप्पल केक स्पॉन्ज के लिए बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे टिन में पोर करते हैं और बेकिंग के लिए रखते हैं। यहाँ पर मैंने ली है स्क्वायर की केक टिन। यहाँ स्क्वायर केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और साथ ही में आप नीचे लाइनर प्लेस कर दीजिए, जिससे बेकिंग के बाद आपका जो केक स्पॉन्ज है ना वो बहुत ही आसानी से बाहर आ सके। लीजिए केक का बैटर बिल्कुल रेडी है केक टिन में जाने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने इसे फिल कर लिया है और साथ ही में मैंने 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट कर लिया है। सो ये लीजिए बेकिंग के लिए बिल्कुल केक टिन रेडी हो गई। तो चलिए सो गाइज यहाँ पर इसे मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। अगर आप इसे कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं ना तो मेरी चैनल पे आपको केक की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसे मैंने कढ़ाई में बेकिंग करके दिखाया है। केक स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे जब तक ठंडा करने के लिए रखेंगे तब तक यहाँ पर जो व्हिपिंग क्रीम है ना वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। बस यहाँ पर लेंगे करीब 250 ml तक व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को एकदम चिर लेना है और उसके बाद आप बीटर की हेल्प से इसे बीट कर लें। सो गाइस व्हिपिंग क्रीम को जब आप बीट करें तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब आप व्हिपिंग क्रीम लें तो वो मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। टिप नंबर 2, जब आप बीटर का इस्तेमाल करें तो बीटर आपका 90° के एंगल में होना चाहिए। बस साथ ही में इसमें मैं यहाँ पर डाल दूंगी पाइन एप्पल एसेंस। आप एसेंस को बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बीट करने के टाइम पर डालेंगे तो ये जो अच्छे से
सारी क्रीम में मिक्स हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने केक की वीडियो शेयर करी हुई है और साथ ही में मैंने व्हिपिंग क्रीम को कैसे रेडी करें उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। केक के लिए जो व्हिपिंग क्रीम रेडी की जाती है उसका टेक्सचर इस तरीके से चेक कर सकते हैं, सॉफ्ट भी आ जानी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है व्हिपिंग क्रीम। अब चलिए देख लेते हैं केक स्पॉन्ज। तो ये देखिए केक स्पॉन्ज, पाइनएप्पल केक स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब इसे डीमोल्ड कर लेंगे। सो एक तरफ केक स्पॉन्ज रेडी है, व्हिपिंग क्रीम रेडी है और फ्लेवरिंग हमारी बिल्कुल फिलिंग भी रेडी है। तो पाइनएप्पल पेस्ट्री बनाने में अभी ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगने वाला। ये देखिए कितना बढ़िया सा एकदम स्क्रैच के साथ में ये स्पॉन्ज रेडी हुआ है। आप इस स्पॉन्ज के साथ में किसी भी तरीके का केक बना सकते हैं और भी फ्लेवर का अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट डालकर। बस ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, अपर पार्ट से अच्छी तरीके से कट कर देंगे जिससे हम यहाँ पर ना जो पेस्ट्री बनाने वाले हैं वो बिल्कुल फ्लैट बनेगी और बहुत ही शेप उसका काफ़ी अच्छा आएगा। तो कटिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब बेकिंग हो रही होती है ना तो ये साइड्स हैं ये थोड़ी सी क्रस्ट हो जाती हैं। तो बस जो बेकरी से केक लाते हैं ना आप बिल्कुल, तो आपको लगता है कि उसमें बिल्कुल भी कोई क्रस्ट नहीं है। तो उसका सारा राज यही है कि जैसे ही केक बेक होता है उसको ठंडा करके डिमोल्ड करते हैं तो ये सारे साइड्स और एजेस जो हैं वो आपको कट करनी होती है। सो पेस्ट्री बनाने के लिए यहाँ पर मैं स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट करूँगी जिससे हमारी जो पेस्ट्री है उसकी हाइट बहुत अच्छी आए। करीब 2 से 2.5 इंच की हाइट पेस्ट्री में आती है ना तो पेस्ट्री देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए एक एक करके यहाँ पर जो लेयर है उसमें अब हम अप्लाई करेंगे पाइनएप्पल का सिरप। ये मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल क्यूब्स को, फ्रेश पाइनएप्पल क्यूब्स को शुगर के साथ में पानी में अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। तो ये जो सिरप है वो पाइनएप्पल फ्लेवर का नेचुरली एकदम रेडी हो गया। इसमें किसी भी तरीके का एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया, साथ में थोड़ा सा इसमें कलरिंग ऐड की हुई है। खास बात तो ये है कि जो पेस्ट्री है ना इसमें जो कंपोट लगने वाला है, फिलिंग लगने वाली है, जो भी, ये सारी फ्रेश पाइनएप्पल के साथ होममेड रेडी करी है मैंने। ये तो रही बेकरी स्टाइल पेस्ट्री की बात, लेकिन और भी गजब की अगर आप बेकरी स्टाइल पेस्ट्री एकदम घर में ना बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट के साथ में बनाना चाहते हैं जिसमें मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, तो कुछ इस तरीके की रेसिपीज़ मैं आपके लिए यूट्यूब के लाइव पर लेकर आने वाली हूँ, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए लेयरिंग अप्लाई करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्रीम का लेयर किया है मैंने, उसके बाद हमारे पास है ये पाइनएप्पल क्रश। तो बाज़ार में मिलने वाले केक की फिलिंग होती है ना वो बहुत ही महंगी पड़ती है, तो आप बिल्कुल घर में इस तरीके से केक को रेडी कर सकते हैं हर एक फिलिंग के साथ। यहाँ पर मैंने जो केक का स्पॉन्ज लिया था उसमें क्रीम अप्लाई कर दिया है, कंपोट अप्लाई कर दिया है और अब जो इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर है उसे अच्छी तरीके से प्लेस कर देंगे। बिल्कुल सेकेंड लेयर में भी इसी तरीके से सोकिंग करनी है और उसके बाद क्रीम अप्लाई करके हमारे यहाँ पर जो थर्ड लेयर है पेस्ट्री की उसे भी इसके ऊपर अच्छे से अरेंज कर देंगे। बारी है फाइनल आइसिंग करने की, तो बस फ्रंट लेयर पे भी इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करेंगे और साथ में स्टिक के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो गाइज़ ये लीजिए यहाँ पर बिल्कुल डिज़ाइनिंग डन हो गई है और अब हम इसे करेंगे कट। सो गाइज़ यहाँ पर मैं बेकरी स्टाइल पेस्ट्री बना रही हूँ ना, तो बेकरी स्टाइल पेस्ट्री एकदम इस तरीके से मैं यहाँ पर स्क्वायर में कट कर लूँगी और इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे और साथ ही में करेंगे थोड़ी सी गार्निश। सो गाइज़ ये लीजिए बिल्कुल घर में बहुत ही आसानी से आपके किचन में मिलने वाले इंग्रेडिएंट के साथ में ये जो बेकरी स्टाइल पेस्ट्री रेडी हुई है ना, इसे एक बार आप अपने गेस्ट को या बच्चों को सर्व करेंगे ना तो उन्हें बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाई है। सो गाइज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। सो गाइस होममेड बेकरी स्टाइल पेस्ट्री बिल्कुल रेडी है पार्टी के लिए। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर सच में रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय।